अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं बीए इंग्लिश थर्ड ईयर पोएम नंबर जो है वो 6 है, जिसका नाम है पैट्रियट एंड ट्रेटर। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो पैट्रियट एंड ट्रेटर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1812 एंड डाइड इन 1889। तो हम इसकी पोएम जो है वो शुरू करते हैं। इसका टाइटल है जी पैट्रियट इनटू ट्रेटर। पैट्रियट का मतलब होता है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। और ट्रेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु चीट्स, हु चेंजेस हिज लॉयल्टीज टू हिज कंट्री, यानी ऐसा शख्स जो अपने मुल्क से गद्दारी करता है। तो इसका उर्दू में तर्जमा ये हुआ कि इसके अंदर जो करैक्टर बयान किया गया है, फर्स्ट ही वॉज लेबल्ड एज अ पैट्रियट एंड आफ्टर वन ईयर ही वॉज लेबल्ड एज अ ट्रेटर, यानी पहले उसको मुहिब वतन कहा गया और एक साल बाद उसको गद्दार कहा गया। पैट्रियट इनटू ट्रेटर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल उसी रूटीन से कि पहले हम इसको पढ़ेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं लिखूंगा यहाँ पे और इनको ट्रांसलेट करूंगा और वाइट बोर्ड पे भी लिखूंगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा और लिखते जाइएगा। तो पोएम शुरू होती है जी, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, यानी इसमें ये कहा गया है कि एक मुहिब वतन है, पैट्रियट है, एक फेमस पॉलिटिशियन है, वो अपनी ऑडियंस से ख़ताब करने जा रहा है और जो ऑडियंस है, जो लोग हैं, वो उसका बड़ी मसलन गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मोनोलॉग क्या होती है, इसका मैं पहले भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ और बाद में इसको तफसील से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा फेमस क्वेश्चन जो है वो मोनोलॉग का बनता है। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये जो पैट्रियट है, ये जो फेमस पॉलिटिशियन है, अब सीन कुछ यूं है कि उसको फांसी दी जा रही, ही इज़ गोइंग टू बी हैंग्ड, यानी उसको लटकाया जा रहा है और वो अपनी स्टोरी बता रहा है। ही इज़ टेलिंग हिज स्टोरी टू द रीडर, टू द पीपल, टू द ऑडियंस। और स्टोरी क्या बता रहे हैं कि एक साल पहले इसी दिन, यानी आज ही के दिन उसको फांसी दी जा रही है। और एक साल पहले सीन कुछ यूं था कि जब वो आवाम से खिताब करने के लिए आ रहा था तो लोग जो है वो बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल कर रहे थे। पीपल वर गिविंग अवाम वेलकम टू द लीडर, टू देयर फेवरेट लीडर, और लोग जो थे वो उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। लोग जो हैं वो उसकी आमन पे नारे लगा रहे थे, पीपल वर डांसिंग, पीपल वर जंपिंग, पीपल वर मैरी मेकिंग, दे वर गिविंग अ वार्म वेलकम टू देयर फेवरेट लीडर। वो उसका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे थे और उसके ऊपर फूल फेंक रहे थे। और उसकी आमद के रस्तों पर, जिन रस्तों से वो आ रहा था, उसके ऊपर बैनर्स लगाए गए थे और चर्च के जो मीनार थे, जो स्पायर्स थे, उनके ऊपर झंडे लहराए गए थे। लोग जो थे वो उसको उसकी एक एक बात गौर से सुनते थे। और अगर वो को कहता कि कोई मेरे लिए कोई मुश्किल काम करो, ट्राई टू डू सम डिफ़िकल्ट टास्क, तो लोग इतने वफादार होते थे कि वो कहते थे ये कोई काम नहीं है, ये कोई इतना ख़ास काम नहीं है, इससे बढ़कर, यानी हम अपनी जान भी आपके लिए कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं, यानी उनकी जो वफादारियाँ थी वो इतनी इसके साथ थी। लेकिन एक साल बाद, आफ्टर वन ईयर, सीन टोटली चेंज्ड, जो सीन है वो बदल जाता है। अब जो है, अब वो लोगों से मतलब वो अब उसको फांसी दी जा रही है, ही इज़ गोइंग टू बी हैंग्ड। और अब जो है लोग जो हैं, दे हैव चेंज्ड देयर लॉयल्टीज़, उन्होंने जो अपनी वफादारियां हैं
वो बदल ली हैं। अब जो लोग हैं वो उसके ऊपर फूल नहीं फेंक रहे हैं। नाउ द पीपल आर शावरिंग स्टोन्स ओवर हिम, अब जो लोग हैं वो उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। अब वो पहले हजूम था, एक क्राउड था, बट अब सीन टोटली चेंज हो गया है। देर आर ओनली फ्यू पीपल, सिर्फ चंद लोग हैं जो उसके रस्तों में खड़े हुए हैं, और उसकी वो भी उसकी मौत का नज़ारा करने के लिए। तो इसको हैंग किया जा रहा है, और ये अल्लाह की हजूर जो एंडिंग इसकी लाइन होगी उसमें ये अल्लाह की हजूर जो है ना, ही इज़ होपफुल, उसका जो आउटलुक है वो ऑप्टिमिस्टिक है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं है, अगर दुनिया ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया है तो अल्लाह ताला जो है वो मेरे साथ शफकत फरमाएंगे, मेहरबानी फरमाएंगे, और मुझे जो है वो जन्नत का हकदार करार देंगे। तो ये मैंने थोड़ी सी स्टोरी आपको बताई है क्योंकि ये बड़ी फेमस पोएम है, और इस पे जो है यूनिवर्सिटी जो है वो क्वेश्चन जो है ना, वो अक्सर जो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है या क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर से आ जाते हैं। तो अब मैं इसको थॉरली पढ़ता हूँ। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे, इसमें ये बताया गया कि द लीडर इज़ गोइंग टू अटेंड अ पब्लिक मीटिंग एंड देर इज़ अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ पे लोगों के एक बहुत बड़ा क्राउड है, बहुत बड़ा हजूम है, और लोग जो हैं दे आर थ्रोइंग फ्लावर्स ओवर हिम, उसके ऊपर जो है वो फूल फेंक रहे हैं। विद मिडल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, मिडल MYRTLE, मिडल ये आप यूं कह लें कि गुलाब के जो फूल हैं उसके साथ जो कलरफुल पीटल्स हैं उनकी बात की गई है। कलरफुल पीटल्स यानी रंगीन जो पत्तियां, जो रंग बिरंगी पत्तियां हैं, गुलाब की सुर्ख जो पत्तियां हैं, जो उसके जो फूल हैं उनके अंदर और कलरफुल जो पत्तियां वो मिक्स करके लोग जो हैं वो इसके ऊपर फेंक रहे हैं। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विद मीटल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, और लोग ऐसे कर रहे थे, ऐसे फूल बरसा रहे थे जैसे वो पागल हों। देवर रेडी टू डाई इवन टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ देयर फेवरेट लीडर, एक झलक देखने के लिए वो फूल फेंक रहे थे, एक झलक देखने के लिए वो बेताब थे, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे देवर इनसेन, वो पागल हों। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, और देर वॉज अ लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ा क्राउड था, हजूम था, और एवरीवेयर देर वर पीपल, हर तरफ लोग ही लोग थे, वो घरों की छतों के ऊपर थे, वो दीवारों के ऊपर बैठे हुए थे, वो गलियों में खड़े हुए थे। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, और घरों की छतें जो हैं वो ऐसे लग रही थी जैसे वो झूल रही हों। स्टूडेंट हीव जो है ये एक मोशन होता है, एक हरकत होती है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ इसका जो मीनिंग क्या है। HEAVE, हीव जो होता है ना, ये एक हरकत होती है जो ऊपर से नीचे, आ मोशन, एक ऐसी हरकत यानी जो अप टू डाउन या डाउन टू अप, यानी ऊपर से नीचे, जिस तरह हम सांस लेते हैं तो वी हीव, हमारा जो एब्डोमन, हमारा जो पेट होता है वो हीव करता है, यानी आगे ऊपर से नीचे। तो हीव एक ऐसी हरकत है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर होती है। और स्वे जिस तरह हम कोई चीज़ झुलाते हैं, ये एक ऐसा मोशन होता है, ऐसी हरकत होती है, डेट इज़ लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। अब ये जो उसने वर्ड यूज़ किया है इसका मतलब क्या है, द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, कि देर वॉज अ लार्ज क्राउड ओवर द रूफ, छतों के ऊपर एक बहुत बड़ा हजूम था, और वो अपने फेवरेट लीडर को देखकर इतना जो है वो वाइल्ड हो गए थे, इतना वो पुरजोश हो गए थे, एक्साइटेड हो गए थे कि वो लेफ़्ट टू राइट और अप टू डाउन यानी जंपिंग कर रहे थे, और वो एक लेफ़्ट टू राइट मोशन दे रहे थे। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे घरों की जो छतें हैं वो झूल रही हों, वो हरकत कर रही हों। द चर्च स्पायरीज, स्पायर स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो स्पायर है,
سپائر جس طرح ماسک کے مینار ہوتے ہیں ان کا منرٹس کہتے ہیں، جو چرچ کے مینار ہوتے ہیں نا، چرچ کے مینار ان کو سپائر بولتے ہیں، سپائر چرچ کا مینار، ٹھیک ہے نا، منرٹس آف آ چرچ. اچھا اب وہ کہہ رہا جی دا چرچ سپائر از فلیمڈ 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 دے ور ٹوئنکلنگ دے ور گلوئنگ وہ فلیم وہ جگمگا رہے تھے سچ فلیگز دے ہیڈ کیونکہ ان کے اوپر جھنڈے لہرائے گئے تھے، اس کی آمد کا اس کی استقبال کے طور پر وہاں پہ جھنڈے لہرائے گئے تھے. اور یہ سٹوری کب کی ہے؟ اے ایئر اگو آن دس ویری ڈے، آج ہی کے دن ایک سال پہلے کی بات ہے. میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ اب اس کو پھانسی دی جا رہی ہے، ہی از گوئنگ ٹو بی ہینگڈ، اور یہ اپنی سٹوری بتا رہا ہے اور وہ کہتا ہے آج ایک دن یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایک سال پہلے یہ ہو رہا تھا کہ لوگ میرے اوپر پھول پھینک رہے تھے، لیکن آج جو ہے دا سچویشن ہیز ٹوٹلی چینجڈ، یہ جو صورت حال ہے وہ بدل گئی ہے. نیکسٹ ہے جی دا ایئر بروک انٹو اے مسٹ، بروک انٹو، اچھا بروک انٹو یہ بریک انٹو ہے اور اس کی یہ پاسٹ فارم ہے بی آر او کے ای، بروک انٹو. اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چینجڈ یعنی چینجنگ کنڈیشن میں آ گئی ہے، چینجڈ انٹو یعنی بدل جانا. دا ایئر بروک انٹو اے مسٹ، اور مسٹ کا مطلب ہوتا ہے فاگ یا دھند، ود بیلز، لوگ جو ہیں دا پیپل وار رنگنگ دا بیلز، لوگ گھنٹیاں بجا رہے تھے اور اتنا زیادہ کراؤڈ تھا ایسے لگ رہا تھا کہ پورے کا پورا جو ماحول ہے وہ فاگی ہو گیا، پورے کا پورا جو ماحول تھا جو ایٹموسفیئر تھی وہ وائبرنٹ ہو گئی تھی. دا اولڈ والز راکڈ ود، راکڈ ود یہ بھی ایک قسم کا فریزل ورب ہے، راکڈ ود، آر او سی کے ای ڈی، راکڈ ود. اسٹوڈینٹس اس کا مطلب ہوتا ہے فل آف، یعنی بھر جانا یا بھری ہوئی ہونا، راکڈ ود. اور جو پرانی دیواریں تھیں راکڈ ود دا کراؤڈ اینڈ کرائز، وہ لوگوں سے بھری ہوئی تھی. دا پیپل وار سٹنگ ان لارج کوانٹٹی اوور دا والز، بہت مقدار میں بہت تعداد میں لوگ جو تھے وہ دیواروں کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور دیواریں پرانی تھیں. یعنی وہ جو جس طرح ایک نارمل سین ہوتا ہے، ایک پولیٹیشین جب خطاب کرنے آتا ہے تو لوگوں کو جہاں بھی جگہ ملتی وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ دیوار جو ہے یہ اولڈ ہے پرانی، ہم گر یہ دیوار گر جائے گی، ہم گر جائیں گے یا مر جائیں گے، نہیں. تو یہاں بھی بالکل وہی سین جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے. دا اولڈ والز راکڈ ود کراؤڈ اینڈ کرائز، پرانی دیواروں کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اینڈ دیر ور ان لارج کوانٹٹی، ان لارج نمبر، اور وہ وہاں پہ سلوگن چینٹ کر رہے تھے، وہاں پہ نعرے لگا رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، کراؤڈ اینڈ کرائز. ہیڈ آئی سیڈ، اگر میں کہتا، ہیڈ کا مطلب یہ حرف شرط ہے، یعنی کنڈیشنل بنانے کے لیے اس نے ہیڈ شروع میں لگا لی ہے. ہیڈ آئی سیڈ اگر میں کہتا گڈ فوک مائی ڈیئر پیپل، گڈ فوک کا مطلب کیا ہے؟ میرے لوگوں، مائی کنٹری مین، میرے عزیز ہم وطنوں، میر نوائز ریپیلز، ریپیلز آر ای یہ ریپیل ہے، ریپیل کا مطلب ہوتا ہے ٹو ہیٹ، کس چیز سے نفرت کرنا، لیکن یہاں اس نے ایس لگا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ بن گیا ہے، کیونکہ پریزنٹ انڈیفینیٹ میں ہم فرسٹ فارم کے ساتھ ایس اور ایس لگاتے ہیں. ریپیلز یعنی ٹو ہیٹ. اگر وہ کہتا ہے کہ ہیڈ آئی سیڈ اگر میں کہتا گڈ فوک مائی ڈیئر کنٹری مین، میر نوائز ریپیل، آئی ہیٹ یور ایمپٹی سلوگنز، مجھے تمہارے کھوکھلے نعرے نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ لائک دس، مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آئی ریپیل، میں ان سے نفرت کرتا ہوں. بٹ گیو می یور سن فرام یونڈر اسکائی، بلکہ اپنے لائل ہونے کا ثبوت دو، اور میرے لیے کوئی، مثلا یہاں پہ اس نے جو فریز استعمال کی ہے گیو می یور سن فرام یونڈر اسکائی، یونڈر کا بھی میننگ آپ لکھ لیں، وائی او این ڈی ای آر. یونڈر ہم اس وقت استعمال کرتے جب ہم کسی فار آف یعنی دور کی چیز کا ذکر کر رہے ہوں،
far off, یعنی کہ دور کی چیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کہتا کہ مجھے آپ تمہارے نعروں سے نفرت ہے جی, میرے لیے اپنی اگر آپ نے لائلٹی کو پروو کرنا ہے تو ڈو سم امپاسبل ٹاسک, میرے لیے کوئی ایسا کام کرو جو کہ بالکل ناممکن ہو, پھر مجھے پتا چلے گا کہ ہاؤ مچ لائل یو آر, کہ آپ کتنے وفادار ہوں. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگوں کی لائلٹیز بھی دیکھیں اپنے اس فیوریٹ پولیٹیشین کے ساتھ جس کو انہوں نے پیٹریٹ کا خطاب پہلے دیا ہوا ہے. دے ہیڈ آنسرڈ, تو لوگ کہتے, اینڈ آفٹر ورڈ ورڈ ٹیلز, جناب یہ تو آسمانوں سے ستارے توڑنا یا چاند لانا یا سورج لانا یا جوئے شیر لانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ اس سے بھی بڑا حکم کریں. دیز لائن شوز دیٹ دا پیپل وار ویری سنسیئر اینڈ لوئل ٹو دیئر فیوریٹ لیڈر. اچھا نیکسٹ پیراگراف ہے جی, اسٹینزا ہے الیک الیک. اسٹوڈنٹ الیک کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں, اے ایل اے سی کے, دس از کالڈ چوسرین انگلش. آپ نے اگر آپ کوئی انگلش لٹریچر سے کوئی تھوڑا سا بھی نالج ہو آپ پڑھتے ہوں تو آپ نے جیفری چوسر اس کا نام سنا ہوگا. دس از کالڈ دا فادر آف انگلش لٹریچر, اور اس کی جو لینگویج ہے اگر آپ وہ ایک لائن پڑھ لیں یا دو لائن پڑھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ نہیں کہ یہ آپ وہ انگلش ہے جو ہم آج استعمال کر رہے ہیں. یعنی دیر از اے ہیوج ڈفرینس, بہت فرق ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو چوسرین انگلش بولتے ہیں. تو یہ جو ورڈ ہے یہ الیک, یہ چوسرین ورڈ ہے. آج کل اس کی جگہ چلتا ہے جی ماڈرن ورڈ چلتا ہے الاس, افسوس, ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب افسوس ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو پولیٹیشین ہے ہی از ریپینٹنگ, وہ افسوس کر رہے ہیں. الیک, اٹ واز آئی ہو لیپڈ ایٹ دا سن, لیپ ایٹ دا سن, لیپ ایٹ دا سن ایک ایڈیم ہے اسٹوڈینٹس, اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرائی ٹو ڈو سم امپاسبل ٹاسک, یعنی سورج پہ چھلانگ کون لگا سکتا ہے, یہ تو ایک ناممکن سی چیز ہے. تو لیپ ایٹ دا سن, لیپ کا مطلب ہوتا ہے جمپ کرنا. اٹ واز آئی ہو لیپڈ ایٹ دا سن, یہ میں ہی تھا جو سورج کے اوپر جس نے چھلانگ لگائی. اس کا مطلب کیا ہے, اٹ واز ہی ہو ٹرائیڈ ٹو ڈو سم امپاسبل ٹاسک ٹو میک دیئر پبلک ٹو میک دیئر پیپل ہیپی, یعنی اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ناممکن چیز کو بھی ممکن کرنے کی کوشش کی, صرف اپنی عوام کی خاطر, اپنے لوگوں کی خاطر. ٹو گیو اٹ ٹو مائی لونگ فرینڈس ٹو کیپ, تاکہ وہ کام میں کروں, وہ چیز حاصل کروں اور اپنی پبلک میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دوں. ناٹ مین, ناٹ این اے یو جی ایچ ٹی, ناٹ نو ون, کوئی بھی نہیں. ناٹ مین کو ڈو ہیو آئی فیلٹ ان ڈن. اسٹوڈینٹ اس کے اوپر ذرا فوکس کیجیے گا, یہ جو لفظ ہے یہ مس پرنٹ ہوا ہوا ہے اور ٹیکسٹ میں بھی یہ مس پرنٹ ہے. میں نے اس کا جو اوریجن جو وہ پوئم بھی چیک کی ہے جو رابرٹ براؤننگ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے, نیٹ کے اوپر یہ اویلیبل ہے, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ رابرٹ براؤننگ کی جو پوئم ہے نا پیٹریٹ, اس کو سرچ کریں اور اس کا جو اوریجنل مینیوسکرپٹ ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے ریڈ کیا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں لکھا ہے جی آئی فیلٹ ان ڈن, تو یہ انکمپلیٹ سینس دے رہا ہے, فیلٹ ان ڈن نہیں ہوتا, یہ لیفٹ ان ڈن ہے, لیفٹ, یہ مس پرنٹ ہو گیا ہے اور یہ ایک کامن مسٹیک ہوگی, غلط العام ہو گیا, اس کو کوئی کریکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے. آئی فیلٹ ان ڈن, فیلٹ ان ڈن نہیں ہے, لیفٹ ان ڈن. اگر میں کسی کام کو ادھورا چھوڑ دیتا, اف آئی لیفٹ اینی تھنگ انکمپلیٹ, یعنی اگر میں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے اتنے مشکل کام کیے کہ اگر میں ان کو نہیں کرتا تو کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے. Not man could do, have I left undone. کوئی آدمی وہ کام نہیں کر سکتا تھا اگر میں اس کو ادھورا چھوڑ دیتا ہوں. And you see my harvest, harvest, harvest. یہ کامن سا ورڈ ہے, یہ فصل کی کٹائی کے میننگ میں آتا ہے اور یہاں اس کا مطلب ہے ریوارڈ. آپ میرا ریوارڈ دیکھ رہے ہیں, آپ میری اس ہارویسٹ کو دیکھ رہے ہیں
कि मैंने क्या किया, मैंने लोगों के साथ कैसी कैसी वफादारियाँ दिखाई, लोगों के साथ कैसे कैसे अच्छे उनकी खिदमत की, अच्छे काम किए, और आप मेरा रिवॉर्ड देख लें, और रिवॉर्ड के तौर पर मुझे क्या किया जा रहा है, आई एम गोइंग टू बी हैंग्ड, मुझे फांसी दी जा रही है। एंड यू सी माई हार्वेस्ट वट आई रीप, जो मैं काट रहा हूँ ये मेरा रिवॉर्ड है, जो मैं हासिल कर रहा हूँ, जो मैं गेन कर रहा हूँ। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, आज ही के दिन एक साल पहले की बात है, इस सारे वाक्य को एक साल हो गया है और आज उसको फांसी दी जा रही है। अब सीन चेंज है जी, सीन टोटली चेंज्ड। देर इज नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नो नाउ, अब घरों की छतों के ऊपर कोई भी नहीं है, बिकॉज पीपल हैव चेंज देयर लॉयल्टीज, लोगों ने अपनी वफादारियां जो है वो बदल ली हैं। हो सकता है कोई मिलिट्री कोप हुआ हो, कोई फौजी इनकलाब आ गया हो, या कोई वैसे इनकलाब आ गया हो, लोगों ने अपनी वफादारियां जो है वो चेंज कर ली हैं। अब उनके लिए वो जो पहला लीडर था, जिसको वो पैट्रियट कहते थे, वो लीडर नहीं रहा, अब उन्होंने उसको ट्रेटर का जो लकब है, टाइटल है, वो दे दिए हैं, और अब लोग उसकी परवाह नहीं कर रहे, अब उसको फांसी दी जा रही है तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। देर इज नो बॉडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, अब घरों की छतों के ऊपर कोई नहीं है। जस्ट अ पॉलसीड, पॉलसीड PALSIED, पॉलसीड, पॉलसीड पैरालाइज्ड, पैरालाइज का मतलब है मफलूज, यानी कुछ फालिज ज़दा बीमार लोग जो हैं वो वहाँ पे हैं। जस्ट अ पॉलसीड फ्यू एट द विंडोज सेट, कुछ बीमार ज़दा लोग हैं जो आप बाहर गली में नहीं हैं, वो आप इतने मसल गैर महफूज अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, विंडोज सेट यानी अपनी खिड़कियों में बैठे हुए हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ, और क्योंकि वहाँ से वो मेरी मौत का बेहतरीन नज़ारा कर सकते हैं। एट द शैम्बल्स गेट, और कुछ फांसी घाट, शैम्बल्स गेट, शैम्बल यानी इसको कहते हैं फांसी घाट, वेयर द क्रिमिनल्स आर हैंग्ड, और गेट का मतलब दरवाज़ा होता है, यानी कुछ जो लोग हैं वो शैम्बल के गेट के पास बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। और बेटर येट बाय द वेरी स्कैफल्ड, स्कैफल्ड, स्कैफल्ड का मतलब होता है तख्तादार, वेयर द क्रिमिनल्स आर हैंग्ड, यानी वो कुआं जहाँ पे उनको लटकाया जाता है, स्कैफल्ड फुट यानी उसकी सीढ़ियों के पास खड़े हुए हैं। आई ट्रो, ट्रो का मतलब क्या है जी, थिंक, मैं सोचता हूँ, मतलब वो गैस कर रहा है। अब वो गैस क्यों कर रहा है, बिकॉज देर इज़ अ ब्लैक स्ट्रेप्स, ब्लैक स्ट्रिप ओवर हिज आइज, उसकी आंखों के ऊपर जो है वो स्याह पट्टी जो है वो बंधी हुई है, और वो गैस कर रहा है, ठीक है। आई ट्रो, आई थिंक, आई गैस, सेकेंड लास्ट टेंस है जी। आई गो इन द रेन, अब सिचुएशन देखें कैसे चेंज हुई है। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, यानी बारिश हो रही है, अग्लूमी साइट, एक ऐसा सीन क्रिएट किया है शायर ने कि जो बहुत ही अफसुरदा है। बारिश हो रही है और इसको बारिश में ले जाया जा रहा है। अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, रिस्ट कलाइयाँ, रिस्ट बिहाइंड, और इसकी जो रिस्ट हैं, इसकी जो कलाइयाँ हैं, उसको पीछे ऐसे बांधा गया है और एक रस्से से बांधा गया है, और वो रस्सा इतना टाइट है कि इसकी जो रिस्ट्स हैं वो उसको कट, वो रस्सा जो है वो कट कर रहा है। एंड आई थिंक बाय द फील, और मैं फील कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। माई फोर हेड ब्लीड्स, फोर हेड ये माथा, फोर हेड ब्लीड्स कि मेरे माथे से खून निकल रहा है। फॉर दे फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है थ्रो, टू थ्रो, क्योंकि लोग जो हैं वो बरसा रहे हैं, वो शावर कर रहे हैं, वो फेंक रहे हैं। फ्लिंग, हू एवर हैज़ अ माइंड,
यानी जो भी लॉजिकल मैन है, यानी जिसके पास भी अकल है, यानी इंसान जो है वो मेरे ऊपर जो है वहाँ पे जो खड़े हुए लोग हैं वो इसके ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। फॉर द फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड स्टोन्स एट मी, मेरे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं। फॉर माई ईयर्स मिस डीड्स, मेरे जो बैड डीड्स हैं, मेरे एक साल में जो मैंने कोताहियाँ की हैं, जो मैंने गलतियाँ की हैं, जो मैंने खामियाँ की हैं, उन मिस डीड्स की वजह से अब लोग जो हैं दे हैव टर्नड अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ हो गए हैं। दे हैव चेंज देयर लॉयल्टीज, उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो वफादारियाँ हैं, वो बदल ली हैं। और वो लोग मुझसे इतनी नफरत कर रहे हैं कि अब मेरे ऊपर फूल नहीं बरसा रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। लास्ट जो स्टैंजा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमिस्टिक टच है। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, इस तरह मैं हीरो बनकर, पैट्रियट बनकर मैदान सियासत में, इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स आई एंटर्ड, मैं दाखिल हुआ। एंड दस आई गो, और इस तरह आई वेंट अवे विद ह्यूमिलेशन, लोगों ने मेरी तजलील की, यानी मैं हीरो बन के आया और ज़ीरो बन के मुझे लोगों ने निकाल दिया। इन ट्राइफ्स फतुहात पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, लोगों को मार दिया जाता है। इन कुछ लोग हैं दे आर इंजॉइंग द फुल स्विंग्स ऑफ देयर लाइफ, यानी वो अरूजे कमाल पे जब होते हैं तो वो मर जाते हैं, उनको मार दिया जाता है। पेड बाय द वर्ल्ड, अब गॉड मुझसे, अल्लाह मुझसे, ये जो हीरो है, जो पैट्रियट है, जिसको बार में ट्रेटर का खिताब दिया गया, वो कह रहा है पेड बाय द वर्ल्ड, तुमने अपना अजर पा लिया है दुनिया में ही, यानी अगर तुमने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा तुम्हें दुनिया में फांसी की शक्ल में मिल गई है। वट डस्ट, ये चौसरी इन इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, डी ओ एस टी डस्ट, ये स्टूडेंट ये मीनिंग देगा डू का। और दाव जो होता है ये भी ओल्ड इंग्लिश है, टी एच ओ यू, इसका मतलब होता है यू। वट डू यू ओ, अब तुम मुझसे क्या मांगते हो। मी, खुदा कहेगा ए मिस्टर पॉलिटिशियन, मिस्टर पैट्रियट, आपकी जो सज़ा है, जजा और सज़ा है, डेट इज़ इक्वल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में बराबर हो गई है, और आप मुझसे क्या चाहते हो। गॉड माइट क्वेश्चन नो इंस्टेड, खुदा ये सवाल करेगा, और बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला जो है, क्योंकि वो बड़े गफूर और रहीम है, मेरी जजा और सज़ा बराबर, मेरे जो गुड डीड्स बैड डीड्स बराबर हो गए हैं, पनिशमेंट हो गई है, तो अल्लाह ताला जो है टिस, ये जो है ये स्लैंग है, टी आई एस टिस, इसको आपने टिस बोलना है, टिस, ठीक है ना, टिस, और इट स्टैंड्स फॉर इट इज टिस गॉड शेल रीपे, ये खुदा मुझे माफ़ कर देगा। रीपे का मतलब है फॉरगिव कर देगा, माफ़ कर देगा। आई एम सेफर सो, लिहाजा मैं अब सेफ नहीं बल्कि सेफर हूँ, कंपेरेटिव डिग्री उसने यूज़ की है कि मैं महफूज नहीं हूँ, इस हालत में मैं ज़्यादा महफूज हूँ, क्योंकि अल्लाह के हजूर मैं जो है वो मैं होपफुल हूँ, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं ऑप्टिमिज्म के ऊपर बिलीव कर रहा हूँ कि मेरा खुदा जो है वो मुझे माफ़ कर देगा, अगरचे लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया लेकिन अल्लाह जो है वो मेरे साथ अच्छा ही करेंगे। तो स्टूडेंट ये था इसकी जो ट्रांसलेशन है, इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने सारे जो है ना आपके सामने लिख भी दिए हैं, और मैंने इसको डिस्कस भी कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये आसान भी लगी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अल्लाह हाफिज़।